मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। बीजेपी ने कहा कि हरीश रावत के स्टिंग मामले में जल्दी खुलासा करने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड को लुटाने वाले और लूटने वाले लोगों की पहचान हो सके और जनता के बीच बेनकाब हो सके। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रावत जैसे नेता सिर्फ अपने राजनीति करते हैं, ना कि समाज और पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि रावत के असली चरित्र का खुलासा करने की जरूरत है। अभी तक राय स्पष्ट नहीं। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन पूरे प्रदेश ने देखा है और इस समय चुनाव में भी सोशल मीडिया में काफी प्रचारित रहा है, लोगों ने उसको देखा भी है, लेकिन ये मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। आखिर उस पर जो अंतिम निर्णय आना है कि अगर ऐसा हुआ है और स्टिंग ऑपरेशन में चीज़ें आई हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुआ है तो जिन्होंने गलत चीज़ें दिखाई हैं, गलत वीडियो फ्लैश किया, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अंतिम निर्णय तक जाना चाहिए और इस पर जल्दी समाधान होना चाहिए। जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसके स्टिंग ऑपरेशन का क्या पता चलेगा, उनके रहते रहते इसका समाधान हो जाए, मैं चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हों, वह दूसरे पर पत्थर नहीं चलाया करते। पहले बीजेपी के घोटाले और कमिश्नर खोरी का खुलासा करें, फिर हरीश रावत पर बयान देने से पहले उन्हें अपने घर की ओर झांक लेना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार, जिसने इतने घोटाले कर दिए, विनोद चमोली जी और सारे माननीय विधायक जो भाजपा के, उनको कहना चाहिए कि सबसे पहले अपने जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे मुकदमा दायर हो, सीबीआई की उन पे इंक्वायरी हो। हमने तो बार बार कहा और कई मामलों में तो हरीश रावत जी को क्लीन चिट मिल गई है और माननीय हाईकोर्ट से, अगर हमने तो पहले भी कहा था और हरीश रावत जी ने भी कहा था कि आप चौराहे पर बड़े बड़े स्टिंग दिखाइए तो आप अपने भी स्टिंग दिखाइए। तो अब ऐसा है, विनोद चमोली जी का चुनाव जो है मुझे लगा है बिखरा हुआ है, मानसिक संतुलन थोड़ा मुझे लग रहा है कि खराब हो ही जाता है। तो ऐसे में कई विधायक हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा से भीतरी घात हमें हुआ है, तो सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी, अनुशासित पार्टी और पता नहीं अपनी पीठ थपथपाने वाली पार्टी आज इस मुकाम पे आ गई है कि हरीश रावत नाम से वो बुखलाई हुई है, कहीं जो हमारे घोटाले थे वो दोबारा ना खुल जाए।